अस्सलामुअलैकुम। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग होंगे खैरियत से। और अभी हम लोग जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं भाई? छन्नी लोलो। जी तो ये जैसा कि भाई ने बताया, हम वहीं जा रहे हैं। तो ये पहले आए हुए हैं लेकिन इनको रास्ता मालूम नहीं है, रास्ता भूल गए हैं। यार उसको पहाड़ दिखाओ ना, सियालकोट की ब्यूटी दिखाओ। मेरे पास एक्चुअल में ना वो सिग्मा वाला कैमरा नहीं है ना कि मैं इतनी दूर से पहाड़ दिखा सकूं। तो दोस्तों की और इस वक्त हो चुका है जी 1:49 यानी कि 2 बजने वाले हैं और हम लोग चलेंगे। दोस्तों की एक दावत है, हम लोग ये बिजवाद सेक्टर में आए हुए हैं तो यहाँ पे इंशाल्लाह टाइम स्पेंड होगा क्वालिटी और यहाँ पे लंच वगैरह आज हमारा यहीं पे होने वाला है। और मेरे साथ जी, और ये बंदा है, इसने यानी कि एक बैट लगी थी और ये जीता। बाकी बाद में बताऊंगा क्या बात थी। और मेरे साथ मौजूद हैं हाजी कैसर साहब और मियां उजैर साहब और तलहा नियाब भाई और बदर आयश। भाई ने जो बदर बैट विन की थी ना, इस सारे मामले के जो हमारे एनी शाहिद हैं वो हमारे कैसर भाई हैं क्योंकि इन्हीं की मौजूदगी में ये सारा जो मामला था वो तय पाया था। ये एनी शाहिद है। अफजाल भाई के डेरे पे पहुंच गए और मीर साहब यहाँ पे कर रहे हैं कुकिंग। सब की बना रहे हैं जी, मटन बना दे भैया जैसे। वाह, आज का शेफ फाद है। लाल भाई जो है ना वो मेजबान भी है और साथ में आज के शेफ भी है। असल शेफ जो है ना वो अपनी ड्यूटी छोड़ चुका है, वो व्हाट्सएप पीछे खड़े हैं, वो सोए हुए हैं। नहीं वो फ्रूट आया उठ पे नहीं, असल शेफ को भी बाहर छाड़ो, केला खाओ। तो ये अंगूर और केले उधर पड़े हुए। अच्छा बट साहब एज यूजुअल ड्यूटी पे वापस आ गए। और मैं ते आना अंबा दे दरख्त ना ला के ते अंगूर दा कुछ ला के ना। गाड़ियाँ वगैरह पीछे खड़ी हैं, एक दो इनकी गाड़ी इधर खड़ी है और हम लोग जा रहे हैं जी आगे की तरफ को, बाग वगैरह को सारा घूमने। तो ये दोस्त अफजाल भाई है, उन्होंने सारा डेरा बनाया हुआ। तो ये गाड़ी छड़ी, तो बाकी दोस्त वो आगे की तरफ गए हुए, तो मैं भी इसकी तरफ घूमता घूमता जा रहा हूँ। तो जाके देखते हैं जी क्या काम हो रहा है वहाँ पे। और हाजी साहब आगे जो है ना इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, पता नहीं दे क्या रहे इंस्ट्रक्शन, कुछ बाग के बारे में। ट्रैक्टर की तरफ चल रहा है। तो हाजी अख्तर साहब की शादी जो है ना इसी इलाके में हुई है, बजवाद में, तो जानते भी हैं कुछ इस इलाके को। और मेरा सेकेंड टूर है इस इलाके में। गलती हो गई, आपने उसको सारी जिंदगी के लिए एक्सपोज कर दिया। हमने कभी अब मैं इनके इनके अब मैं इनके दिमागों पे डंडे मारूं, इनकी याद तक जाए। तो अभी खाना वगैरह बन गया था, खाना वगैरह खाया और दोस्त चल पड़े हैं जी आगे की तरफ। शायद कोई बरसाती नाला गुजरता है तो उसको देखने के लिए चलते हैं। और सब जा रहे हैं, मैं लेट हो गया था, काफ़ी दोस्त वो आगे की तरफ जा रहे हैं। तो चलें चल के देखते हैं क्या देखने जा रहे हैं। साथ जब इवेंट पे चले गए, इवेंट पे आने के बाद ये देखें, ये इसके काम देखें, ये क्या हो रहा है भाई? हैं कहाँ हो रहा है? ओ शूपिया, बस मुझे बात करने दो ज़रा। तो दोस्तों के साथ गए और वहाँ पे मतलब आगे पीछे घूमते रहे, काफ़ी लेट हो गए। और फिर दोस्तों के साथ कुछ गपशप ऐसी हो रही थी कि वीडियो में मतलब कि ना वो मुझे कॉपीराइट ही आना था तो इस वजह से उस तरह से प्रॉपर वीडियो नहीं बन सकी। और अब घर पहुँचे हैं। तो फातमा बेबी क्या कर रहा है? फातमा बेबी की देखें शरारतें, ये देखें, और ये बहुत ज़्यादा शरारती हो गया हुआ है। तो दोस्तों की महफिल को इंजॉय करना चाहिए। और मैंने इस वजह से फिर कैम बंद कर दिया कि भाई अब कुछ गुफ्तगू जो है ना वो, और आप जो दोस्तों की महफिल में बैठते हैं वो समझ गए होंगे कि गुफ्तगू किस लेवल पे मतलब हो रही होगी। मतलब ये नहीं है कि बैड गुफ्तगू थी, लेकिन दोस्तों में एक दूसरे की टांग खींचना या इस तरह से बातचीत करना वो तो फिर आपको पता चलता रहता है। तो उसी वजह से फिर मैंने उस तरह से वीडियो शूट नहीं की। मैंने कहा फिर अब बाकी बातें आप लोगों से घर जा करेंगे, क्योंकि आप लोगों से जो बात होती है हमारी वो पॉजिटिव लेवल पर होती है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आ रही होगी। वीडियोस पसंद आ रही, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलेंगे एक नई वीडियो में, एक नए व्लॉग के साथ, एक नई बात के साथ। तो आने वाली वीडियो तक के लिए मुझे और फातिमा को दीजिए इजाजत। तो फातिमा अल्लाह हाफिज कर दो। और फातिमा ने क्या पकड़ा हुआ दिखाना फातिमा, ये पौधा है उसके ऊपर चेरी लगी हुई है और ये फातिमा वो दिखा रही है। अल्लाह हाफिज कर दो, अल्लाह हाफिज।